नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट ग्रोजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ग्रुप डी के रिलेटेड है, ग्रुप डी का ही है। तो जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट है दोस्तों, ये बहुत दिनों से पेंडिंग है, यानी करीब 13 फरवरी को आने वाला था, उसके बाद 17 फरवरी को आने वाला था, 17 फरवरी को फिर जो ऑफिशियल आरआरबी का जो ऑफिशियल्स है अंग्रेज मोहन, उन्होंने क्या बताया कि फिर 28 फरवरी तक आएगा। तो ये ऐसा घुमा फिरा के जो है स्टूडेंट को जो है बहुत ही आने की वेट करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि हालांकि ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा और कहां से चेक करेंगे हम। हालांकि 17 फरवरी के बाद जो है 28 फरवरी बताया था, 28 फरवरी को जो है ये आने वाला था। तो आज 28 फरवरी है, तो चेक करेंगे कि आपका रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, कौन सी वेबसाइट में चेक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब इन्फॉर्मेशन हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए अभी मैं हूँ timesnownews.com की वेबसाइट में, और यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, जो आरआरबी का जो रिज़ल्ट है वो यानी कि 2019 फरवरी 28 को ही रिलीज़ होगा, यानी कि आज जो है ये रिलीज़ होने वाला था। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर भी हैं जो कि जैसे कि जो कि फर्स्ट मार्च को जो है आने वाला था करके ही बहुत सारे रिपोर्टर भी ऐसे बताया है इन्होंने, वो रिपोर्टर ने ही बताया। रिपोर्टर किस लिए बताया दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आरआरबी कोलकाता है, ठीक है ना, आरआरबी कोलकाता की तरफ से एक ट्वीट किया था कि जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट जो है 1 मार्च तक ही आएगा, 1 मार्च के अंदर ही जो रिज़ल्ट है वो आएगा करके एक हमें जो है बताया था। क्यों बताया था मैं आपको बता दूं कि जो आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी एनटीपीसी का देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो है जो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, वो नोटिफिकेशन ही आ जाने वाला है, इसलिए उन्होंने बताया कि जो 1 मार्च के अंदर जो है ये आएगा करके उन्हें बताया था। यानी कि 1 मार्च 2019 में जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट है, आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट है, वो 1 मार्च को आएगा करके बताया था। लेकिन इससे पहले आरआरबी अंग्रेज की तरफ से ही बहुत सारे ऐसे ही हमें कमेंट या ट्वीट हमें दिखा है जो कि बताया था कि जो आरआरबी ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है वो 28 फरवरी को आएगा करके। तो सर आज 28 फरवरी है, दिन भर आप चेक करते रही गया, और जैसे ही हमारे पास इसका कोई इन्फॉर्मेशन आएगा कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट आ गया है तो आपको भी बता देंगे। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे, मैं इसका भी जानकारी आपको बता दूं। तो सर देखिए, जो भी जोन से आप रिलेटेड करते हो, सभी जोन का मैं लिंक मैं आपको देता हूँ, और यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आप मुंबई में हैं तो आप rrbmumbai.gov.in में जा सकते हैं। यदि आप चेन्नई में हैं तो rrbchennai.gov.in में जा सकते हैं। यदि आप पटना से हैं तो rrbpatna.gov.in में जा सकते हैं। यदि आप रांची से हैं तो rrbranchi.gov.in में जा सकते हैं। यदि चंडीगढ़ में हैं तो आप rrbcdg.gov.in में जा सकते हैं। दोस्तों rrbcdg में आप पहले चेक करिए, क्योंकि पहले जो है जो रिज़ल्ट है यहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है, तो आप इसमें चेक कीजिए। उसके बाद जो धीरे धीरे है सभी स्टेट में जो है वो बता देगा। यदि आप बेंगलुरु में हैं तो rrbbnc.gov.in में जा सकते हैं। ऐसे ही सभी में आप यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं, जो लिंक है, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो भी लिंक है, लिंक है हमारे वेबसाइट में भी, आप myemploymentguruji.blogspot.in में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।